एवरीवन। 10 साल पहले जब मेक इन इंडिया इतना पॉपुलर नहीं था, तब एक इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड था माइक्रोमैक्स। दिस वाज अ मोबाइल हैंडसेट कंपनी व्हिच वाज बाय द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एज एन आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी साल 2000 में, और 2010 तक माइक्रोमैक्स इंडियन मोबाइल हैंडसेट मार्केट में एंटर कर चुका था और बहुत जल्दी ही इसने मार्केट पर काफी डोमिनेट कर लिया था। 2010 में मोबाइल हैंडसेट मार्केट वॉज डोमिनेटेड बाई जायंट्स लाइक सैमसंग, नोकिया, एलजी एंड मोटोरोला। बट लॉन्च के 4 सालों में ही माइक्रोमैक्स ने कैप्चर किया था 16.6% ऑफ द मार्केट शेयर। 2014 में एक ऐसा टाइम था जब माइक्रोमैक्स सैमसंग से भी आगे निकल चुकी थी, तो एक इंडियन कंपनी 4 सालों में ही सैमसंग से भी आगे निकल गई और फिर कुछ सालों बाद मोबाइल हैंडसेट की रेस से ही बाहर हो गई। ये सब हुआ कैसे बताऊंगी मैं आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं माइक्रोमैक्स के राइज और फॉल की। मैं हूँ निष्ठा एंड वेलकम टू माई चैनल गैजेट्स अनफोल्ड। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमैक्स के राइज की। मेरे हिसाब से 4 मेन रीजंस थे माइक्रोमैक्स के इतनी जल्दी एक सक्सेसफुल इंडियन मोबाइल हैंडसेट ब्रांड बनने के। नंबर 1 रीजन है बजट फ्रेंडली फोन्स। इंडियन ऑडियंस काफी प्राइस सेंसिटिव है। माइक्रोमैक्स का सबसे पहला फोन लॉन्च हुआ था नवंबर 2010 में, जो था एंड्रो A60। एंड्रो A60 एक बजट फोन था और लॉन्च हुआ था मात्र 6,999 रुपए में, जो कि इंडियन कंज्यूमर्स को काफी बढ़िया लगा था। अगर बॉक्स ऑफिस की लैंग्वेज में बोला जाए तो ये काफी सुपर हिट था। उस समय के जो सुपरस्टार थे नोकिया और सैमसंग, वो इसके मुकाबले काफी महंगे थे। नंबर 2 रीजन वॉज इनोवेशन। जनवरी 2015 में माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया था माइक्रोमैक्स कैनवस ह्यू। इस फोन में आपको मिलती थी 3000 mAh की बैटरी और माइक्रोमैक्स ने क्लेम किया था कि ये फोन का 30 डेज का स्टैंड बाय टाइम है विदाउट चार्जिंग। तो इतने डेज का स्टैंड बाय टाइम उस टाइम में वॉज अनहर्ड ऑफ। नंबर 3 रीजन वॉज जबरदस्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग। माइक्रोमैक्स ने इंडिया में कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं किया था, ये चाइना से अपने हैंडसेट इंपोर्ट करती थी और रीब्रांडिंग करके इंडियन कंज्यूमर्स को बेचती थी। पर माइक्रोमैक्स ने सबसे पहले एक हॉलीवुड स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जो थे ह्यूग जैकमैन। ह्यूग जैकमैन काफी पॉपुलर है एज वॉल्वरिन फ्रॉम द एक्समैन सीरीज। नंबर 4 ग्रेट स्ट्रेटजी एंड रीच। माइक्रोमैक्स का स्ट्रेटजी पहले से ही क्लियर था, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, अच्छे प्राइस पॉइंट पे वैल्यू डिलीवर करना और अपने फोन्स को हर स्टोर में रिटेल करना, जितने ज्यादा स्टोर्स उतना ज्यादा रीच। साल 2014 में माइक्रोमैक्स फोन्स 1,30,000 रिटेल आउटलेट्स में अवेलेबल थे। सोचिए आप, 560 डिस्ट्रिक्ट्स में 1,30,000 आउटलेट्स, कमाल है ना। इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केटिंग, वैल्यू, प्राइस सब कुछ जानते हैं, बट 4 साल में इतना सक्सेस किसी का नहीं देखा था। माइक्रोमैक्स ने सारे रीजंस को अच्छे से ब्लेंड किया था। सिर्फ ये नहीं था कि उनका ब्रांडिंग ही बहुत अच्छा था या फिर उनका प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा था, सभी एलिमेंट्स को एक साथ डिलीवर कर पाना वाज वन ऑफ देयर बिगेस्ट रीजन ऑफ सक्सेस। बट अगर माइक्रोमैक्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो अब कोई भी उस ब्रांड को याद नहीं करता। एक ऐसा ब्रांड जो सैमसंग से भी आगे था, वो एकदम से क्रैश कैसे हो गया? इसके भी 4 रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन, 3G वर्सेस 4G एंड जियो। आजकल सबके पास 4G है। 2015 में एयरटेल ने 4G पर इन्वेस्ट करना शुरू ही किया था। इट वॉज ओनली 5 ईयर्स बैक गाइस। 4G सेलफोन नेटवर्क जो थे वो तब के जमाने के 3G फोन से इनकम्पैटिबल थे, तो मैन्युफैक्चरर्स को लगा कि अभी 4G आने में टाइम लगेगा। मार्केट धीरे धीरे 4
4G की तरफ बढ़ रहा था, पर माइक्रोमैक्स 3G पर ही अटका हुआ था। गाइस, हम सब जानते हैं कि मोबाइल हैंडसेट कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे प्राइस पॉइंट, इतने सारे फीचर्स, कंज्यूमर्स के पास काफी ऑप्शंस हैं हर तरह से अपना फोन चूज करने में। तो माइक्रोमैक्स कंज्यूमर्स के हिसाब से अडैप्ट उस समय नहीं कर पाया। एंड लास्ट नेल इन द कॉफिन वॉज जब जियो ने फ्री 4G हैंडसेट डिस्ट्रीब्यूट किए। नंबर 2 रीजन, चाइनीज इन्वेजन। अचानक से इंडिया में बहुत सारे चाइनीज ब्रांड्स आ गए। Xiaomi, Oppo, Redmi, चाइनीज ब्रांड्स ऑफर कर रहे थे बेटर फीचर्स विद बेटर प्राइसिंग। मतलब जो माइक्रोमैक्स ने किया था नोकिया और मोटोरोला के साथ, वही अब चाइनीज प्लेयर्स कर रहे थे उनके साथ। इनफैक्ट Xiaomi ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप भी किया था ऑनलाइन सेल के लिए। 2019 में चाइनीज फोन्स का इंडिया में 67% मार्केट शेयर था। जब कंपटीशन और कंज्यूमर्स दोनों ही ऑनलाइन पहुंच गए, माइक्रोमैक्स तब भी ऑफलाइन पे ही फोकस था। नंबर 3 रीजन, नो सॉफ्टवेयर अपडेट। जैसा मैंने आपको पहले बताया, माइक्रोमैक्स चाइना से मोबाइल सेट इंपोर्ट करता था और रीब्रांडिंग करके उसे कंज्यूमर्स को बेचता था, तो इंडिया में उनका कोई R&D या मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं होता था। तो दे यूज टू स्ट्रगल अ लॉट विद द ऑन टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट्स। उनको अगर कुछ अपग्रेड करना था तो उन्हें वापस चाइना जाना पड़ता था जहां से ओरिजिनली फोन आते थे। रीजन नंबर 4, डीमोनेटाइजेशन। एक इंटरव्यू में माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा ने बोला था कि नवंबर 2016 में वो लोग माइक्रोमैक्स का न्यू मॉडल लॉन्च करना चाहते थे, बट उसी टाइम डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो फरवरी 2017 तक कोई भी नया मॉडल वो लॉन्च नहीं कर पाए। इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में और 4 महीने तक कोई लॉन्च नहीं, तो ये तो एकदम डाउनफॉल हो गया। तो अब क्या माइक्रोमैक्स अभी भी है? क्या माइक्रोमैक्स चीनी कम कर पाएगा? जैसा कि रिसेंटली माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा ने अनाउंस किया है कि माइक्रोमैक्स लॉन्च करेगा नए फोन्स नवंबर 3 को, दिवाली से पहले माइक्रोमैक्स नए हैंडसेट लॉन्च करेगा अलोंग विद ब्रांड इन IN। इन सीरीज जो है वो है वैल्यू फॉर मनी एंड विद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। साथ ही में आपको मिलेगा स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। इन सीरीज का प्राइस रेंज होगा 7,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक, और सुनने में आया है कि इसका प्रोसेसर होगा हीलियो मीडियाटेक। एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि माइक्रोमैक्स विल बी ब्रिंगिंग नियर प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। मतलब कोई प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर नहीं होंगे और ना ही आपको देखने को मिलेंगे एड्स। जो लोग आप में से चाइनीज हैंडसेट यूज करते हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि नंबर ऑफ एड्स और इतने सारे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर से आपका फोन का एक्सपीरियंस कितना इंपैक्ट होता है, तो इसमें आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या इस रीलॉन्च से माइक्रोमैक्स सक्सेसफुल कमबैक कर पाएगा? मुझे तो लगता है कि इस बार माइक्रोमैक्स चीनी कम जरूर करेगा, क्योंकि नंबर 1, माइक्रोमैक्स कोई नया ब्रांड नहीं है, ये एक ऐसा ब्रांड है जिसे ऑलरेडी लोगों ने थम्स अप दिया हुआ है। उसे नए शुरुआत से ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2 रीजन, 5 साल पहले इतना एंटी चाइनीज सेंटिमेंट नहीं था जितना अभी है। माइक्रोमैक्स का टीजर कैंपेन आओ करे चीनी कम इस सेंटिमेंट को बहुत ही क्लेवर तरीके से यूज कर रहा है। ब्रांडिंग भी इन है, IN स्टैंड्स फॉर इंडिया। मतलब इस बार फोकस होगा टू ट्रूली प्रेजेंट देमसेल्फ एज अ ब्रांड फॉर इंडिया एंड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। नंबर 3, माइक्रोमैक्स ने टाई अप किया है मीडिया टेक के साथ, जिसका R&D सेंटर ओपन हुआ है बेंगलुरु में। मतलब आपको मिलेंगे क्विक सॉफ्टवेयर अपडेट्स। नंबर 4, अननेसेसरी एड और ब्लोटवेयर नहीं होंगे। अगर 15,000 के नीचे के फोन्स में ये एक्सपीरियंस कंज्यूमर को मिलेगा, तो इट कैन बी अ गेम चेंजर। नंबर 5, एप्पल ने लॉन्च किया है iPhone 12 विद 5G। इस बार माइक्रोमैक्स शायद ज्यादा प्रिपेयर्ड है 4G से 5G पर जंप करने के लिए। तो एक इंडियन ब्रांड अगर लेस देन 10,000 या लेस देन 15K में आपको 5G देगा, तो इट हैज डेफिनेटली चांसेस ऑफ स्टैंडिंग आउट। फाइनली आपको क्या लगता है, क्या एक इंडियन कंपनी कम्पीट कर पाएगी चाइनीज कंपनी से जो ऑलरेडी 70% ऑफ द
मार्केट शेयर को डोमिनेट कर चुके हैं। अपने व्यूज और कमेंट्स हमें जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ हम आते हैं इस वीडियो के एंड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल गैजेट्स अनफोल्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।